चलो देखी जाऊ यार, हूँ तो मैं उन्होंने मावा धियां किराए से देता, मेरे वास्त है ही नहीं कुछ यार। वो तो ठीक है यार, पर दो जनानियां उपरों है ना, किस तरह आप इतवार किमें कर सकते हैं, कल कोई ऊंच नीच हो जाए गल तेरे ते आ जुलदेव सिंह। नाले बई किराए की दिता है, बेचा थोड़ी है, नाले जान पछाण तो बिना देना चंगी गल थोड़ी है। और मैंने तो यार शरीफ लगी, मैं तो देता बई किसी के मूँह से थोड़ा लिखा होंगे कोई सियाणा ज माड़ा, यह तो बाद वरते तो पता लगता। वो कमल सिंह मैं तो ए सोचा सी यार, बेचारे जनानिया ने कितने जाएगी, तरले जे कट रही सी, मैं तो देता यार। तेरी मर्जी है बलदेव सिंह, यह शरीफा का महला गा, कल कोई इन्नी की गल हो जाए यार फिर सू तो पिंड खड़ना पेगा, फिर ना कहीं तेरे खिलाफ खड़ गए। सही गल कहना बई, शरीफा का महल है, ए थोड़ी है बी हरेक लंडू खंडू में बाड़ ली इतने। वो तो गल ठीक है थोड़ी यार, मैनू शरीफ लगी हाँ, मैं तो देता, बाकी जो तुम कहने मैं एक बार होर कह दूंगा भी भाई ढंग ना रही हो तरीके ना रहना, ठीक है ना। चल ठीक है, समझा दी उन्होंने तो गल खाने पा दी। ठीक है कमल सिंह। हाँ जी सरदार जी। कुड़ियाँ कर अपनी माँ को भेज। हाँ जी मैं बुलाती हूँ, तुम बैठो। मम्मी मम्मी। हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। काम सी जी सरदार जी कोई? ओ कोई ना, जरूरी गल करनी सी। जरूरी गल दसो जी। गल ये भी एक तो तुम कली हो, थोड़े ना कोई बंदा नहीं है, नाले बगाने पिंडों आई हो, पिंड वाले सोचते हो पता नहीं कहो जे सुभा दी होंगे कहो जो नहीं, बाकी तू समझदार समझ गई हुई गल। सरदार जी असी इदा दियाँ नहीं है, असी माड़े खानदान चो नहीं, मेहनत करते हैं तो आपदे रोजी रोटी वास्ते ढिड भर लें। तुम कि होना यह समा ही दसूगा। यही कई गल करते हो सरदार जी तुम? ये गल् मैं नहीं करता, यह गल् पिंड वाले करते हैं। मैं सोचा थोड़ा पहले ही दस दा किस तरह का कोई लांबा नहीं आना चाहिए मैनू, नहीं मैं मकान पहला करा लूँगा। तुम बेफिक्र रहो सरदार जी, साडे वालों सू कोई लांबा नहीं आऊगा, असी तो आप मजबूरी दे बस हाँ, ना फैक्टरी वाले सू इस फैक्टरी भेज दे, ना असी आ पिंड चाह के मकान किराए पर लेंदे, असी तो बस मजबूरी दे मारे हाँ, उतों उत्थे उतों उत्थे, कदे वह पिंड बागियाँ कदे वह पिंड बागियाँ। वो चल ठीक है, ठीक है समझ गया मैं, बस मेरा फर्ज बनता तुम समझा, मैं कोई लांबा ना आ जाए फिर। चल चलता मैं, नाले ये तो मेरी मजबूरी सी, पिंड वाले कह लग गए मैं यहोजा नहीं है, कोई गल नहीं आराम नाल रहो तुसी। नहीं छेती आ जा, उठ के 12 बजे फिर इतने सफाइया लग जानी हैगी। आ जूंगी मम्मी, तुम जाओ ना जिंदा चंगी तरह ला दी। हाँ जी हाँ जी, बेफिक्र रहो, दस की करे अगला। ऐ नहीं भी टाइम नाल उठ के मैं टाइम नाल काम कर ला, पहला घंटा लेट उठती है फिर घंटा इतने ला दें सफाइया, फिर सफाइया चिंबड़ जाती है। सफाइया भी तो जरूरी है। कौन है यार कुड़ी? पहली बार देखी है पिंड च, सोहनी बहुत, ये बारे तो पता करना पो, कोई नहीं चल देख दे। पैर पट लै कि मैं थकी थकी तुरदी हाँ मरिया वागू, सारा दिन तो फैक्टरी मत वज जाती है, उत्तों तुर के जाना पैंदा घर, थक जाते हैं पैर। जहाज ना मंगवा दिया तेन मैं, होर की चाहिए फिर। मैं सत श्री अकाल तो ठीक है काका, तू इस पिंड है? हाँ जी आंटी जी, बलदेव अंकल मैं चंगी तरह जानता, उन्होंने घर ही लिया किराए से है ना? हाँ लेता तो है भाई किराए से, पर हूं तो पिंड भी आने वाला सी। कोई नहीं आंटी, आज छड़ देना मैं। चल बह जा फिर। हाँ जी बह जाओ, बह जाओ। आजा तू बैठ बचाले, मेथों नहीं बैठा जाना बचाले। ध्यान नाल बैठो। कोई ना पुत, माड़ा जा गाहां नू हो जा। लो जी चल जी। चल ठीक है बेटा। ਲੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਜਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ। ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਟ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਹੀ।
ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕੋਈ ਨੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਓਹੋ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਓਹੋ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਏਂਗਾ ਜੁੱਤੀ ਓਹੋ ਗਿਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗਿਫਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖੀ ਮਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਦੱਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਰੱਖ ਲਓ ਚੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਆ ਜਾਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਵੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਸਿਖਾਏਂਗੀ ਤੂੰ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿਪ ਚਿਪ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਕੀ ਘਾਟ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲੈ ਛੱਡਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਥੱਪੜ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਯਾਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਓਏ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਗਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸੌਂਖਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਓਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਾਲੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਹੈ ਲਾਪੜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਗਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਸੰਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਪੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਠੀ ਪੀਵਾਂ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਲੇਟ ਆਊਗੀ ਸੰਜੇ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਕਿੱਦਾਂ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਲੈ ਲੈ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਓਏ ਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ देख रहा तेरी कुड़ी की करतूता करती फिरदी आ तू मेरे जान पिछे आ कुछ कर दी है ज्यादा ड्रामे करने की लोड़ नहीं है ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਤੂਤ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਮੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਜੂ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਆ ਕਰਤੂਤ ਕਿਉਂ ਖੰਡਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਆ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਫਾਹਾ ਵੱਢੋ ਜੀ ਚਲੀਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਲੰਘਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਂਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਦੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਮੈਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੁਛ ਆ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਲੰਘਿਓ ਜੀ ਆ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਓਏ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੜਾਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਚਾਂਦਣਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ ਨਾਲੇ
पिंड पिंड कुड़ी लेके फिरेंगी, आ कुछ तो होना ही सीगा। बह जा बह के गल कर दें। सरदार जी हुण तो इक्को ही हीला रह गया, बस हुण मैं इनू ब्याह के तोरदा। जे सोडी कोई निगाह च हैगा चंगा माड़ा तो मैनू दस दो, तो मैं इनू ब्याह दूंगी। देख गल सुन मेरी, मुंडा तो हैगा मेरी निगाह च, बहुत चंगे घर दा है, तो कुड़ी राज करू तेरी उत्थे। हाँ जी सरदार जी, फिर एदू चंगा की हो सकता है? वेख ला फिर मुकरी ना। ना ना सरदार जी, मैं नहीं मुकरदी। जे मेरी धी नूं वधिया रिश्ता मिलता है तो जिहड़ा जल्दी ब्याह हो जाए तो मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। वो घर किसी होर दा नहीं, इस घर की गल कर रहा मैं। जे तू चाहे ना अपनी कुड़ी का रिश्ता मेरे नाल कर सकदी है। चल चल कुड़िए, तू की सुनदी आ, सियाण की गल नहीं सुनी दी होंदी। वेख ला मर्जी है तेरी, जे करना नहीं फिर। पर सरदार जी सोडी ते मेरी धी की उम्र तो देख लो। ओ उम्र का की है, वह भी किसी गरीब घर सुटेंगी, उत्थे भुखी मरूगी, नाले मेरे घर तोरेगी ना, राज करूगी राज, सत्त पीढ़ियां बिगे खा सकदी हाँ, इन्ना पैसा मेरे लवे। वो तो ठीक है सरदार जी, मैनू तो मंजूर है, पर फिर भी मैं एक बार ना मेरी धी नाल गल कर ला। तू ए करी अपनी धी नाल सलाह कर ली, तो मैनू शाम तक दस दी, ठीक है? ठीक है। चल मैं जाना फिर। ठीक है जी। ले गल की करनी है उन्हू कहूँगी, आप ही मन जूगी, नाले मैं सौखी जिंदगी ज्यूँ, नाले वो सौखी जिंदगी ज्यूगी, कितने तो करना ही है, उम्र च की रखे। मम्मी आ की गल करते पे हो तुसी, मैं नहीं कराना उस बुढ़े नाल विआह, मेरी उम्र तो उहदी उम्र तो देखो, देखण नूं अंकल जिहा लगता है, मैं नहीं जाना उहदे घर। नहीं तू शुकर कर, वह बुढ़ा तेनों अपनाउण नूं तैयार है, जिहे जिहे तू लक्षण करदी आ ना किसी ने हथ नहीं फड़ना तेरा। किहड़े लक्षण, मेरा की कसूर है, नाले मैनू की पता सी उह संजे मुकर जूगा, तुसी वी तां उहनूं किन्ना चंगा समझदे सी। नहीं चल चल गां, रात गई तां बात गई, समझ गई, बुढ़ा है चाहे जवान है, हुण मैं तेनों उसे दे ही तोरना है, राज करेंगी तू राज, बेली बह के खाएंगी। देखती है मेरा की पता है अज हैगी कल नू ना, नाले मैं तेनू किसी पासे तो लाना ही है ना, बुढ़े हड्डा का की पता है परमात्मा कदों बुलावा भेज दे। मम्मी यह जी गल ना करो। ना पुत, रब दे घर का की पता है, नाले बंदे का की भरोसा है, हुण किसी पासे तो तेनू ब्याहूंगी, क्यों ना बलदेव सिंह नाले ब्याह दें तेनू, नाले पुत तू राज करेंगी, बथेरी जमीन जायदाद है, तो मेरी जान सौखी निकल जू भी मेरी धी राज करती है आपदे घर। देख लें मम्मी फिर जिम्मे तुम ठीक लगे। ना मेरी धी हैलो। हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल जी। सरदार जी मैं मेरी धी नूं मना लिया, हुण जिथे तुसी कहोगे आपां उत्थे प्रोग्राम रख लांगे जी। देखो सरदार जी बहुता लम्मा चौड़ा काम तो है नहीं, मेरा गरीबणी दा सानूं पता ही है जी, बस मैं दो कपड़ियां च मेरी धी नूं तोर सकदी हाँ। कोई ना जी, असी तां दोए मामा धीआं सी, ते एक दो जने तुसी ले आओ जिहड़े तुहाडे नाल होणगे कल नूं। सरदार जी कोई गल नहीं जी, कोई ना जी असीं तां टाइम नाल पहुँच जाँगे। ठीक है जी, ठीक है जी। कोमल। हाँ जी मम्मी। पुत तू आए कर खड़ी हो, चल जे एक दो चीज़ लैनी है वो ले आपां बाजार चलीए, लेट ना हो पुत फिर नेरा हो जूगा। ठीक है मम्मी। चल सच्चे पातशाह आ भी तो मेरी वधिया सुन ली, मेरी धी किसी चज दे ठिकाने लगेगी ते नाले मेरा भार उतर जूगा। हो गया घर पसंद आ गया तेनू? बहुत सोहना है। देख सब कुछ तेरा ही है, रब दा तो बहुत कुछ आने लगे,
तेनू कदे किस चीज़ की कमी नहीं आ दूंगा मैं ते सच हाले तेरे लिए कंगन लेके आया है मेरे लिए कित देख तेरा गल करना चाहना मैं नहीं चाहता जो तेरे तो पहला गलती हुई है वो इदा की गलती दोबारा हो गई मैंने पता इसे तेरा कोई कसूर नहीं सी वो संजाई धोखेबाज तो निकलिया पर तेन पता ना मेरा इस पिंड किन्ना रसूख है जे तू इदा कोई गलती की ना फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं होना तुसी बेफिक्र हो सरदार जी मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी चल ठीक है फिर मैं पिंड काम है जरा मैं जाया वहां मां सही कहती सी मैं इस घर च राज करूंगी मैनू किन्ना प्यार करते हैं मेरा किन्ना ख्याल रखते हैं हुण मैं कोई गलती नहीं करूंगी इस घर नू अपना घर समझूंगी बाकी उमरा च की रखिया है 10 साल मैं भी तो बुढ़ी हो ही जाना हूँ कोई गलती नहीं करूंगी कोई शिकायत का मौका नहीं हो भाई भाई बड़ी खुशी हुई भाई तू एक लख दे भरा लख दे की हाल है कितना ठीक है भाई बहुत बढ़िया तो सुनाओ ठीक हो चला जंत्र वेके लगा दे सच्ची बड़ी खुशी हुई भाई मैं तो आजा आजा किदा तस्वीरी सी रियाणा ना तने ओ भाई मैं सोचा भाई नु जाके बधाई दे दे छेती ओ तू तो मेनू बुलाया ही नहीं हैगा ओ रवि गल ही इदां सी यार माहौल ही इदां दा हो गया सीगा कि अचानक एकदम कराना पै गया ओ भाई जन्ना मर्जी तू मेनू घटो घट फोन तो ला सकदा सी मैं तो तेरे एक फोन से क्यों होना गुस्से नहीं भाई पर मैनू आया भी जे ओ टाइम ते मैं नाल हुंदा तां किड्डी सोहनी गल हुंदी पर मैनू चाह बहुत चढ़िया सुखना मेरे भाई का घर बस गया होना ही सी के चाह ता पर भाई मैनू तेरी एक गल दी फिक्र जी लगी रहिंदी है फिक्र ओ तेनू कादी फिक्र लगी है मेरी फिक्र ता लगनी है भाई आप तो अद्धी उम्र दी कुड़ी नाल ता ब्याह करा लिया किड्डी गलती करती है ओ इस च गलती की कीती है मैं यार क्योंकि तेनू नहीं पता भाई अजकल दियां कुड़ियां बहुत तेज ने पहला लियां ता है नहीं वी भोलियां भोलियां कट जाणगियां ओ अज नहीं कल ओ आपदी उम्र दा कोई मुंडा देखूगी ते उहदे नाल जे कोई सेटिंग कर ली उहने तेरी फिक्र तो लगनी ही है मैनू तेरी जमीन जायदाद ते अख रख लीजे वो भाई आसे पासे लोग हसदे आ कहिंदे बलदेव सिंह आपदे तो अद्धी उम्र की कुड़ी विआह लिया वो जवाकड़ी लगती है तेरे नाल कल नू जे कोई हाण दा मिल गया तैनू तो छड़ के तुर जूगी ओ नहीं नहीं रवि वो इदा दी नहीं हैगी मैं चंगी तरह जानता उहनू वो भाई जे जानता हुंदा फिर विआह के थोड़ा लियाउंदा नाले गल्लां लुकियां थोड़ा रहिंदियां ने सारी पता लग गई पिंड च लोकां नू उहदे पिंड च कीती हुई करतूत उहदी रवि तो गलती हो गई सी सुन गल सुन मेरी ध्यान पर वो मुंडा धोखेबाज निकलिया इस तो की कसूर है यार हूँ वह सही आ मैनू पता है अपनी जिद्दत ख्याल रखूगी वह इन्ना यकीन तो भी इन्नी छेती वह गल यकीन नहीं होंगी गल परख की होंगी मैं पूरी तरह परख उस कुड़ी की अच्छा इन्ना यकीन है चल फिर ऐ कर दें एक बार परख के वेख ली इनू और रवि यार परखन की लोड़ है मैनू पूरा यकीन आता है वह भाई जे यकीन है तो फिर परखन च कह तो डरी जाना वो डर नहीं उही जवाकों वाली गल करता तू भाई जवाकों वाली गल नहीं है मैनू तेरी फिक्र है तू इतें कला कह रहा मैं बैठा शहर च तो मैनू डर इस गल का है भी जिदे उन्होंने कोई हाण का मिल गया कि होर ही ना चन्न चाढ़ दे अजक दियाँ तो पता ही नहीं की कर देना जब तेन छड़ के तुर गई या तेन कुछ करता इन्हें तेरी जमीन हड़पन की मारी ने चल ठीक है रवि जे तू इन्ना कहना ना फिर परख के देख ला जे परख चो गलत निकली ना फिर की तेनू पता मेरा सीधा गोली मार दूँ मत्थे जा चल कोई ना पहला ये देखते हैं हो सकता परख दे विचों सही निकल जे ते तेरी गल सच्ची हो जाए पहले ही कहूँ गोली मारनी गल करी जाना भाई पहली गल तो रवि वो पास होगी जे फेल होगी ना तेनू पता फिर मैं गोली ही मारनी देखदा भाई फिर रही आपकी जवान ते कैम तेनू पता ना जिहड़ी मैं गल कहती वो हो की रही ठीक है भाई देखते हैं फिर की बनता है किरत आजा 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 तेरे देवर नाल लावा सत श्रीकाल भाभी वेट तो सी एक मिनट रवि तेरी भाभी आ तेरा देवर आ शेर रहा सुनाम चल तू ए कर मैनू कमा को जरूरी जाना है
तेनू चाह चू पिया ठीक है ना बैठ रवि मैं आया है बाई ने पंगा तो कसूते ही लड़िया लगता एडी सोहनी कुड़ी पर पंगा भी कहदा नजारी भी है पर कोई गल नहीं जिन्ना टाइम गैरी बैठा है मजा ला कोई नज़ारे ले जे मैनू लगता अज वधिया मौका है होवे ना तो भाभी नू खेत ले जावां अज भाभी हाँ जी रवि खाओगे कुछ नहीं नहीं पार्टी बनाई है सी कुछ भी नहीं खाना मैं असल च ना थोनू बाई ने खेत बुलाया मैनू हाँ वो आप कित्थे ने वो आप तो उत्थे ने वो कहते चल मेरा टाइम बच जूगा मैं कोई काम कार जा कर दा पता नहीं थोड़े वास्ते की सरप्राइज रखे खेत बुलाया थानू आओ चलिए ठीक चल चल रवि आप कित्थे आ गए हाँ नाल तेरा वीरा तो कितने दिख नहीं रहा हो भाभी वीरा इत्थे कित्थे होगा अपना खेत है ये आ जाओ नाले थानू खेत दिखाउणा नाले वीरे नाल मिलाउणा आ जा भाभी तुसी तो कहंदे सी आपां सरदार जी कोल जा रहे हां ओ मैनू किते दिखता रहे नी हो भाभी इत्थे ही होणा वीरा भी आया तू लंघिया रवि मैनू बहुत फिकर हो रही है सरदार जी किते दिख नहीं रहे हो भाभी जे मैं तैनू कह दंदा भी तैनू इत्थे मैं लैके आया तां तू मेरे नाल आउणा थोड़ा सी इह की बदतमीजी है मैनू वापस छड के आ कोई बदतमीजी नहीं इह असल दे च मैं तेरे नाल इक गल करनी मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी हैगी मैनू हुणे वापस छड के आ और अगर किसी ने तैनू मेरे नाल इत्थे देख लिया एवें वेली बदनामी होजू एवें ना डरी जा इत्थे तैनू कोई नहीं देखदा लोकां दा घट ही आउणा जाणा इत्थे इन्नी सुनसान थां दे विच कौण उबल इत्थे तां तू ते मैं ही आ ते मैं तुहाडे नाल जल्दी गल करनी है की गल करनी है जल्दी दस गल इह आ तू की सोच के बाई नाल विआह करा लिया ओह तेरे तों दुगणी उमर दा ओह खुद इन्नी सोहनी है तैनू तो कोई भी वधिया मुंडा मिल जाता मैनू मेरी माँ ने जिहड़े लड़ लाता है ना मैं बस हुण खुश हाँ एवें फालतू दियां बुझारतां ना पा जो गल है साफ साफ दस साफ साफ गल तो यही है भी किन्ना क टाइम टाइम टपा दू तेरा भाई अज नहीं कल मरी जाना उन्हें वो तू चुप करके मेरे नाल विआह करा लै नाले जो तेरा भला सोचता हुंदा ना तेरा दिमाग खराब हो गया तू कह की रहा है वो मैं बहुत सही कह रहा जे वो चाहुंदा ना तो तेरा विआह मेरे नाल भी करा सकता सी वो की कमी है मेरे च दुगनी जमीन जायदाद आ मेरे कोले इन्ना सोहना ते तेरे हाण दा भी है मैनू जमीन जायदाद तो हुण कोई मतलब नहीं है वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है बस हुण मैं उन्हां नाल खुश हाँ हो भाभी मान लै मेरी गल कित्थे बड़े दे सारे टाइम कढेंगी वो दोहे जने जवान जहाना आपां रल के जिंदगी दे नज़ारे लवांगे नज़ारे सारी जमीन जायदाद ते उमर भर दा नज़ारा रवि तेरा तो दिमाग खराब हो गया वो जिदा दे भी ने मेरे लिए हुण सारा कुछ उही ने तू बस मैनू जल्दी वापस लेके जा तेरा दिमाग खराब हो गया ओ भाभी मैं तो तेरे नाल मजाक करता सी तैनू की लगता मैं ओदे बाई नाल थोड़ा इहजा कुछ करूँगा मैं तो मजाक करता सी तेरे नाल चल आपां घरे चलदे आ पर गल सुन परख च तो तू जमा सही निकले जिहड़ी गल बाई ने कही सी वी ओह मेरे वास्ते पूरी लाए लै ते तू लाए ली है पर हुण मैं कहना आपां इक होर मजाक ना करिए बाई ना मजाक होर होर बाई ने अपने नाम मजाक किया तैनू यह गल कह के तेरी परख लैन वास्ते तू हुण बाई की परख लै नहीं नहीं आपां ऐ करदे आ बाई नू जाके मैं कहूँगा तुसीं भी मूंह जा लमका के जायो ते नाल बैग चक लियो भी मैं तां रवि नाल चली हाँ ते मैं बाई नू जाके आखूँगा भी बाई भाभी तां फेल हो गई परख च ये तां हुण मेरे नाल ही चली है पर उन्हां नू बुरा लगूगा ओ भाभी
जो मैं हैगा नाल मैं सारा कुछ बाद सच सच दस दूंगा भी उत्थे तो भाभी वर्क च सही निकली है ये तो असी तेरे नाल ही मजाक किया ठीक है ठीक है नाले उन्होंने भी वधिया लगू मजाक थोनू भी वधिया लगे ना मेरा ये मजाक डराता सी क्यों भाभी तैयार है फिर भाई ना प्रैंक करने वास्ते बहुत मजा आऊंगा देखी भाई का मूह उड़ता चल आ जा करीम पूरी एक्टिंग हाँ रवि की नतीजा निकले फिर नतीजा की होना भाई मैं तो पहले ही पता सी जिहड़ी गल का मैनू डर सी उही होगी की होया और फेल होगी भाभी फेल होगी हाँ हुण पिस्टल च गोलियां पा लै ते आपदी जवान ते कैम रही रवि मैनू यकीन नहीं हो रहा कि मैं परख च एडी वड्डी गलती कर बैठा हाँ भाई गलती तो करती तै दुख तो मैनू भी है काश कि तेरे वास्ते सच्ची होंगी तो तेनू ही प्यार करती होंगी पर मैं तो पहले ही शक सी हूँ तो तेरी जमीन नाल ही प्यार है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ रवि नाल क्यों भाई देख लेना है मन छेती डोल गया तो तू एडी धोखे में निकली मैं नहीं पता सीगा मेरी गल सुनो असि तुहाडा मजाक कर रहे सी रवि ये तो बहुत गुस्सा करी जा रहे हैं सच दस दे ओ की सच दसा भाभी ये सच दसा भी तू मेरे नाल जाण नूं तैयार होगी बाई नूं छड़ के नहीं रवि तू कैसी औरत इन्ने मैनू कैसे पता तुहाडे नाल मजाक करते आ ज्यादा ना बोल हुण तू रवि मैनू यकीन नहीं हो रहा इस गल ते तू मेरे भाई ते इल्जाम ला रही हुण मेरा यकीन करो भाई सच्ची गल है मैं मार दूंगा मैं तो तैनूं पहले ही कहा सी तेरे भरोसे दे लायक नहीं हैगी छड़ दा मैं पिस्टल ओ तैनूं तां मरवाई दंदी है मैं पिस्टल लेना किसे होर बंदे तों रवि रब दा वास्ता सच दस दे मेरा क्यों हसदा वसदा घर उजाड़ रहा है ओ जे तू ना उजड़ी फिर मैनू भरा दी जायदाद किवें मिलूगी तू मेरी गेम नहीं समझी भोली ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਰਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ